हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल ऑफ अग्रवाल क्लासेस। आज हम लोग कॉस्टिंग के बारे में एकदम बेसिक बात जानेंगे। लेक्चर वन है, आप पहली बार ही देख रहे हो कॉस्टिंग। आपने सीए फाउंडेशन में कॉस्टिंग का हल्की सी झलक देखी थी थियरी ऑफ कॉस्ट में, जो इकोनॉमिक्स में था, राइट। आज हम लोग कॉस्ट को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ लगता है, किस इंडस्ट्री में लगता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे सॉल्व होता है, कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है। कॉस्ट शीट तक तो नहीं पहुँच पाएंगे हम लोग पहले लेक्चर में, बट बहुत ही प्री बेसिक बातें रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, करेक्ट। पहले तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो कंसर्न्स होती है, जो एक्टिविटीज़ होती है, जो आपने बीसीके में सुना है, नहीं भी सुना होगा तो छोड़ दो, तीन टाइप की होती है। एक होती है ट्रेडिंग, दूसरी होती है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरी होती है सर्विस। तो सर्विस मतलब तो आपकी जो बैंक्स की सर्विस होती है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होती है, हॉस्पिटल की होती है, मेडिकल की होती है, इन सब को बोला जाता है सर्विस। मेनली आपको जो डिफरेंस देखना है वो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आपने जो अकाउंटिंग किया आज तक 11 से लेकर आज तक, वो ट्रेडिंग कंसर्न का किया है। सीए फाउंडेशन में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का थोड़ा बहुत किया है, बट मेनली अकाउंटिंग आप इसका करते हो। और कॉस्टिंग जो मेनली लगता है वो लगता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, इसलिए मैं आपको ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। पहले तो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है वो मेनली डिज़ाइन किया गया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग, जो अकाउंट्स में आज तक हम लोग जिस कंसर्न का अकाउंटिंग करते आए हैं, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, जिसके लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करने वाले हैं, करेक्ट। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ध्यान से सुनना बच्चों। ये बॉटल है, अगर मैं बॉटल खरीद के बॉटल बेचूं, अगर मैं बॉटल खरीद के बॉटल बेचूं, तो ये क्या है? ट्रेडिंग। जो चीज़ खरीद रहे हो वही बेच रहे हो, तो दिस इज सिंपली ट्रेडिंग। बट अगर मैं प्लास्टिक खरीद के उसको प्रोसेस करके बॉटल बना के फिर बेचूं, तो वो हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। जो खरीदते हो वही बेचते हो तो ट्रेडिंग। रॉ मटेरियल खरीद के उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिर बेचते हो तो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। तो जो दूसरा वाला हिस्सा है वहां पे कॉस्ट अकाउंटेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग का जब डेफिनेशन आप सुनोगे, हिंदी में बताऊंगा मैं भी डेफिनेशन में, बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे हम लोग। किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए जो खर्चा होता है उसको कॉस्ट बोला जाता है। किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए जो खर्चा होता है उसको कॉस्ट बोला जाता है, और उसको कैलकुलेट करने को ही कॉस्टिंग बोला जाता है। तो जहाँ मैन्युफैक्चर होगा वहीं पे कॉस्टिंग का काम होगा, ये आपको समझ में आ ही गया होगा ऑफ कोर्स, राइट। ट्रेडिंग वाला जो खरीदता है वही बेचता है, तो उसको मैन्युफैक्चर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो वहां पे कॉस्टिंग की एज सच कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में आई होप कि आपको फर्क समझ में आया। जो खरीदते हैं वही बेचते हैं, तो ट्रेडिंग। रॉ मटेरियल खरीद के उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उस फिनिश गुड्स को बेचते हैं, तो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। इसी पॉइंट से और एक बात निकल के आएगी, जब आप ट्रेडिंग में करते थे तो आप लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखते थे? क्लोजिंग स्टॉक। और यही अगले साल क्या बनता था? ओपनिंग स्टॉक। यहां पे आपको अकाउंट्स में कभी झंझट नहीं हुई कि ये क्लोजिंग स्टॉक किस बात का है, क्योंकि आप उसमें क्या करते थे? बॉटल ही खरीदते थे, बॉटल ही बेचते थे, तो जो स्टॉक बचता था वो भी बॉटल का ही बचता था, तो आपको अलग से कभी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर यहां पे थोड़ी सी झंझट हो जाएगी बच्चों, जब मैं स्टॉक की बात करूंगा ना, जब मैं आपको स्टॉक की बात करूंगा ना, तो यहां पे थोड़ी सी झंझट हो जाएगी। आपके अकाउंट्स में एक ही कॉस्ट स्टॉक आता था, क्लोजिंग स्टॉक एक ही आता था, इसलिए आप लोग उसको अलग से लिखते नहीं थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बॉटल्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्लोजिंग स्टॉक लिखा है तो बॉटल का ही रहना चाहिए वाला, क्योंकि खरीदा भी बॉटल था, बेचा भी बॉटल, तो बचा है वो भी बॉटल ही बचा है। सर ये क्या बोल रहे हो? थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, थोड़े से पेशेंस रखो। अब यहां पे झंझट ये है कि मैं खरीद क्या रहा हूं? प्लास्टिक, उसको हम लोग रॉ मटेरियल नाम देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में मैं खरीद क्या रहा हूं? प्लास्टिक, हम उसको क्या नाम देते हैं? रॉ मटेरियल। और बेच क्या रहा हूं? बॉटल, उसको हम क्या नाम देंगे? फिनिश गुड्स। क्या नाम देंगे? फिनिश गुड्स। अब इमेजिन करो कि जितना प्लास्टिक खरीदूंगा पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर करके बॉटल बन जाएगी, थोड़ा बहुत बच जाएगा 31 मार्च को, थोड़ा बहुत बच सकता है कि नहीं? तो एक क्लोजिंग स्टॉक तो किसका हो गया? रॉ मटेरियल का। एक क्लोजिंग स्टॉक तो किसका हो गया? रॉ मटेरियल का। दूसरा, क्या जितनी बॉटल्स बनाऊंगा कि सारी बेच दूंगा कि कुछ बच भी सकती है? ऑफकोर्स कुछ बच सकती है, तो वो भी क्लोजिंग स्टॉक हो गया, बट वो किसका हो गया? फिनिश गुड्स का। वो किसका हो गया? फिनिश गुड्स का। एक कॉस्टिंग का कोर कॉन्सेप्ट अभी आप पढ़ने जा रहे हो, जिसका नाम है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या नाम है? वर्क इन प्रोग्रेस। इसको हम लोग
आम भाषा में नाम देंगे मेल्टेड प्लास्टिक। सर मेल्टेड प्लास्टिक तो बहुत ही टेक्निकल शब्द हो गया, इसको छोड़ दो, मेल्टेड प्लास्टिक नहीं याद रहेगा, बट WIP आपको समझना पड़ेगा। मैंने प्लास्टिक से बॉटल बनाने का मैन्युफैक्चरिंग चालू किया है। प्लास्टिक जो होता है उसको पूरा मेल्ट कर दिया जाता है, उसको एक ढांचे में डाला जाता है, वो ढांचा जब सुखाया जाता है तो बॉटल बनती है। अब मैंने प्लास्टिक खरीद लिया, उसको मेल्ट कर दिया, बट 31 मार्च का डे खत्म हो गया और उसको बॉटल में कन्वर्ट ही नहीं कर पाया मैं, तो वो मेल्टेड है तो प्लास्टिक नहीं है, और प्लास्टिक नहीं है इस वजह से रॉ मटेरियल नहीं है, अभी तक बॉटल नहीं बनी है इसलिए वो फिनिश गुड्स भी नहीं है, वो मेल्टेड प्लास्टिक है, ना रॉ मटेरियल है ना फिनिश गुड्स है। उसको बोला जाता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोला जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस। अब जब नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को हम उठेंगे तो उस वर्क इन प्रोग्रेस को पहले हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर नया रॉ मटेरियल लेना स्टार्ट करेंगे। बट 31 मार्च की डेट को तो क्या वो भी स्टॉक हो गया कि नहीं हो गया? तो अब मैन्युफैक्चरिंग में एक स्टॉक होता है कि तीन टाइप के स्टॉक होते हैं, एक होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक, एक होता है WIP का स्टॉक, और तीसरा होता है फिनिश गुड्स का स्टॉक। तीसरा किसका होता है? फिनिश गुड्स का स्टॉक। तो बेसिक बातें मैं समझा रहा हूं, ट्रेडिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ट्रेडिंग जो अकाउंटिंग आप आज तक करते आ रहे थे वो ट्रेडिंग का था, मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्टिंग होता है, कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग में, आप जो आज तक ट्रेडिंग में करते थे उसमें एक ही टाइप का स्टॉक आता था, बट जब मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे हम लोग पूरे कॉस्टिंग में तीन टाइप के स्टॉक चलेंगे, रॉ मटेरियल का स्टॉक, WIP का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक। आई होप कि आपको समझ में आ गया, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग आपको समझ में आ गया कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में तीन टाइप का स्टॉक क्यों होता है, ट्रेडिंग में एक ही टाइप का स्टॉक क्यों होता है। बॉटल लेके बॉटल बेचोगे तो एक ही टाइप का स्टॉक रहेगा, रॉ मटेरियल लेके फिनिश गुड्स बना के बेचोगे तो तीन टाइप का स्टॉक हो जाएगा, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का और आधा अधूरा जो काम पड़ा हुआ है उसका, राइट। अब हम लोग पूरा कॉस्टिंग जब पढ़ेंगे तो हम दिमाग में रखेंगे कि वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक्सेप्ट एक चैप्टर आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो आगे आएगा इंटर में आपको, तो सर्विस सेक्टर छोड़ के उसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोलते हैं, वो एक ही चैप्टर, बाकी के सारे चैप्टर्स मटेरियल लेबर वगैरह वगैरह जो भी पढ़ेंगे हम लोग तो हमारे दिमाग में हम रखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस कंसर्न में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रॉ मटेरियल लेके फिनिश गुड्स बेचती है, राइट। अब आपको कॉस्ट की और कुछ बेसिक बातें बताऊंगा मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। दो टाइप की कॉस्ट आती है, ये हल्का सा आपने अगेन थियरी ऑफ कॉस्ट में इकोनॉमिक्स में फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। कितने टाइप की होती है? डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर ये तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, अभी समझाऊंगा मैं, बहुत आगे तक जाएंगे, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। ये क्या है? चाय की दुकान है, मैं बहुत ही गंदा पेंटर हूँ सो माफ कर देना उसके लिए मुझे, यहाँ पे चाय भी बनती है और यहाँ पे कॉफ़ी बनती है, चाय की दुकान बट चाय और कॉफ़ी दोनों बेचते हैं हम लोग। ये आदमी है, इसका नाम ए है, ये आदमी है, इसका नाम बी है, ये भी खुश है, ये भी खुश है, और ये दोनों चाय और कॉफ़ी बनाते हैं, करेक्ट। ए चाय बनाता है पूरा दिन, बी पूरा दिन कॉफ़ी बनाता है। ए को पैसा देते हम लोग 200 रुपया रोज, बी को हम लोग पैसा देते हैं 300 रुपया रोज। टी पाउडर ए खरीदता है रोज का 80 रुपये का, कॉफ़ी पाउडर ये खरीदता है 100 रुपये का, करेक्ट। लाइट भी है यहाँ पर लगी हुई, लाइट बिल आता है 400 रुपया और इसका रेंट आता है 300 रुपया, करेक्ट। 300 नहीं, सेम नंबर दो चीज़ का नहीं लेना है, 250। एक तो समझ लो दिस इज मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज व्हाट मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज यू बाय मिल्क एंड सेल टी, तो क्या रॉ मेटल खरीद के फिनिश गुड्स बेच रहे, तो रॉ ये आ गया मैन्युफैक्चरिंग में। अब मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो जब आप फिनिश गुड्स बेचोगे उसको सेल करोगे तो उसकी पहले कॉस्ट पता करोगे, अपना प्रॉफिट जोड़ोगे और फिर सेलिंग प्राइस डिसाइड करोगे कि कितने में ये चाय मुझे बेचनी चाहिए। तो जब हम कॉस्ट डिसाइड करते प्रॉफिट ऐड करने के लिए और सेल का प्राइस डिसाइड करने के लिए, वो जो कॉस्ट डिसाइड करनी है वही काम है कॉस्ट अकाउंटेंट का, कॉस्टिंग में हम वही पढ़ते हैं। उसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी खर्चे हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जितने खर्चे हो रहे हैं सारे उस कॉस्ट में क्या होने चाहिए, ऐड होने चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने कॉस्ट को कितने पार्ट्स में बांटा है बच्चों? दो, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। आप जैसे जैसे मैं आगे बोलते जाऊंगा आपको कमेंट करते जाना, आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो कमेंट करते रहो, कोई नहीं, आपने सही जवाब दिया गलत जवाब दिया पता चलेगा। मैं आपको पूछूंगा, पॉज करके आपको टी या कॉफी कमेंट करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं आपको पूछूंगा जो भी खर्चा मैं बताऊंगा वो टी के लिए हो रहा है कि कॉफी के लिए, ये आपको बताना है, टी के लिए हो रहा है कि कॉफी के लिए। ए का जो सैलरी है 200 रुपये, ये टी के लिए हो रहा है कि कॉफी के लिए? टी के लिए, क्योंकि ए पूरा दिन क्या बनाता है? चाय। तो ये खर्चा किसके लिए हो रहा है? चाय के लिए। टी पाउडर का खर्चा किसके लिए हो रहा है? अगेन
टी के लिए, राइट। कॉफी पाउडर का खर्चा कॉफी के लिए, बी का पेमेंट कॉफी के लिए। तो ए का पेमेंट और टी पाउडर का खर्चा स्पेसिफिकली चाय के लिए हो रहा है, टी के लिए हो रहा है, करेक्ट है। और बी का पेमेंट और कॉफी पाउडर का जो खर्चा है वो स्पेसिफिकली किसके लिए हो रहा है, कॉफी के लिए हो रहा है। पर मुझे बताओ ये चाय, सॉरी, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये खर्चे टी के लिए हो रहे कि कॉफी के लिए हो रहे? सोचो सोचो सोचो, लिखो कमेंट में, ठीक है। क्या ये दोनों के लिए हो रहा है? आप स्पेसिफिकली बता ही नहीं सकते ये 400 और 250 किसके लिए हो रहा है, टी के लिए या कॉफी के लिए, करेक्ट। आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि चाय के लिए हो रहा है कि कॉफी के लिए हो रहा है, उसको बांटना पड़ेगा। आगे जाके आपको पता चलेगा, ओवरहेड्स नाम का चैप्टर है, पूरा कॉस्टिंग ही उस पर डिपेंडेंट है। ये खर्चों को बांटना चाय और कॉफी में, इसी पे पूरा कॉस्टिंग डिपेंडेंट है। एक बात ध्यान सुनना, क्या जब मैं चाय का प्राइस डिसाइड करूंगा तो क्या इसका पेमेंट भी आएगा, ये भी आएगा, और इसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा आएगा, इसका भी पेमेंट आएगा, इसका भी पेमेंट आएगा, और इसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा आएगा। खर्चे सारे दोनों में मिला के ऐड होके बटेंगे, मतलब बटेंगे। क्या चाय का और कॉफी का कॉस्ट जब भी डिसाइड होगा कि एक सिर्फ चाय टी पाउडर का खर्चा, बनाने वाले का खर्चा, या रेंट इलेक्ट्रिसिटी, सब ऐड होके कॉस्ट बनेगा, सब ऐड होके कॉस्ट बनेगा, फिर ही सेलिंग प्राइस डिसाइड होगा, ये बात याद रखना, करेक्ट। अब वो आगे जाएंगे, हम लोग वो आगे समझेंगे। अभी आप समझो, क्या टी पाउडर और ए का पेमेंट, कॉफी पाउडर और बी का पेमेंट, क्या स्पेसिफिकली पता था कि किसके लिए कितना खर्चा हो रहा है? पर रेंट और इलेक्ट्रिसिटी स्पेसिफिकली पता था कि नहीं पता था? नहीं पता था, करेक्ट। इन चारों खर्चों को हम नाम देते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। क्या नाम देते हैं बच्चों? डायरेक्ट कॉस्ट। और इन दोनों खर्चों को हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो जो खर्चा किस प्रोडक्ट के लिए हो रहा है वो स्पेसिफिकली अगर हमको पता होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, और अगर हमको पता नहीं होता है कि किस प्रोडक्ट के लिए हो रहा है तो उसको हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही बहुत ही टेक्निकल शब्द आएगा आगे जाके, ओवरहेड्स। क्या आएगा? ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट खर्चों को ही क्या नाम आता है? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स सारे चैप्टर्स, कॉस्टिंग के जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे ओवरहेड शब्द आपको बार बार देखने मिलेगा। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि कौन से डायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं, राइट। ध्यान से सुनना, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट लेबर, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। ये अगेन क्या है? डायरेक्ट शब्द लगा रहा हूँ मैं। कॉफी पाउडर क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। और बी का पेमेंट क्या है? डायरेक्ट लेबर, क्योंकि मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, करेक्ट। जिस चीज़ से आप प्रोडक्ट को बनाते हो उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो मटेरियल शब्द जब भी कॉस्टिंग में यूज होगा दैट विल बी रॉ मेटल ओनली, और लेबर मतलब जो उस चीज को बनाता है। और एक एग्जांपल देता हूँ, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर मैं इस क्लासरूम में एक कारपेंटर अपॉइंट करके बेंचेस बनाने का बिजनेस करता हूँ तो जो प्लाईवुड आएगा बेंचेस बनाने के लिए दैट विल बी डायरेक्ट मटेरियल, कि किस बेंच के लिए कौन सा प्लाईवुड यूज हुआ हमको क्लियर पता रहेगा। वो कारपेंटर दो घंटे में एक बेंच बनाता है तो उस बेंच बनाने को कारपेंटर ने कितना पैसा लिया वो भी मुझे पता होगा। बट इस पूरे क्लासरूम में लाइट्स लगी है, पंखे लगे हैं, इस क्लासरूम का रेंट देता हूँ, वो एक बेंच के लिए देता हूँ कि बहुत सारे बेंचेस के लिए देता हूँ? बहुत सारे बेंचेस के लिए देता हूँ। तो लाइट बिल और रेंट जो है वो क्या एक बेंच के लिए रहेगा कि सब में बांटना पड़ेगा? सब में बांटना पड़ेगा। तो लाइट और पंखा और रेंट, ये खर्चे हमको पता नहीं कि किस बेंच के लिए कितना हो रहा है, बट क्या प्लाईवुड किस बेंच के लिए कितना लग रहा है, लेबर का खर्चा किस बेंच के लिए कितना लग रहा है, हमको स्पेसिफिकली पता होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर हो गया, और रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे जो खर्चे हो गए वो हो गए इनडायरेक्ट खर्चे। वो कौन से हो गए? इनडायरेक्ट खर्चे। हर ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं, आई रिपीट, दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, वहां पर डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट मतलब कौन सा खर्चा किस प्रोडक्ट के लिए कितना हो रहा है ये पता होना इज डायरेक्ट, और कौन सा खर्चा किस प्रोडक्ट के लिए कितना हो रहा है पता ना होना इज इनडायरेक्ट, करेक्ट। सर दो से ज्यादा वाली बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर एक ही प्रोडक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बन रहा है तो क्या सारे खर्चे डायरेक्ट है? क्योंकि हर खर्चा, रेंट भी उसी प्रोडक्ट के लिए है, वगैरह वगैरह सारे प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी भी उसी प्रोडक्ट के लिए। तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट जब रहेंगे तभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगा, अदरवाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया, करेक्ट। सर ये इनडायरेक्ट खर्चा जो होता है उसको क्या नाम बोला आपने? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स होता है, क्या होता है? ओवरहेड्स। अब जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो तीन सेगमेंट्स में काम करती है। जैसे ट्रेडिंग वाला किराना पे क्या करता है? वही माल खरीदता है, वही बेचता है, उसको कोई झंझट नहीं होती। बट जो मैन्युफैक्चर करता है उसके लिए इतना आसान नहीं है। जैसे टाटा का एग्जांपल लेते हैं,
टाटा जो कार बनाता है, टाटा जो बनाता है क्या, कार बनाता है, टाटा जो कार बनाता है क्या उसका फैक्ट्री अलग जगह पर है? करेक्ट है, शोरूम अलग जगह पर है, और जो भी अकाउंटिंग और ऑडिट का और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का जो काम होता है उसके लिए ऑफिस जो है वो फैक्ट्री में नहीं है, वो कहीं भी रैंडम जगह पर आएगा। जैसे गुजरात में फैक्ट्री है तो क्या गुजरात में ही सारे एडमिन ऑफिस रहेंगे क्या, जहां पे अकाउंटेंट बैठता होगा? नहीं, वो अलग है। क्या शोरूम पुणे में भी रहेगा पर पुणे में गाड़ी बनती होगी, जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या तीन अलग अलग जगह पर काम होता है? फैक्ट्री जहां पर क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, ऑफिस जहां पे सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, और शोरूम जहां पे क्या होता है, सेल होता है। यहां पे जो खर्चे होते हैं, यहां पे जो खर्चे होते हैं, यहां पे जो खर्चे होते हैं, एक्सेप्ट डायरेक्ट मेटल और डायरेक्ट लेबर, सबको ओवरहेड्स बोला जाता है। सबको क्या बोला जाता है? ओवरहेड्स। डायरेक्ट मेटल और डायरेक्ट वेजेस का खर्चा जो होता है वो भी कहां पे होता है? फैक्ट्री में ही होता है। डायरेक्ट मेटल और डायरेक्ट वेजेस का जो खर्चा होता है ऑफकोर्स वो भी कहां होता है? फैक्ट्री में ही होता है। उसके अलावा भी जो खर्चे होते हैं उनको बोला जाता है ओवरहेड्स। ऑफिस में जो खर्चे होते हैं उनको भी प्योरली ओवरहेड्स बोला जाता है, और शोरूम में जो खर्चे होते हैं उनको भी प्योरली ओवरहेड्स बोला जाता है। तो तीन टाइप के ओवरहेड्स है। फिर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के खर्चे, इनडायरेक्ट का ही दूसरा नाम है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स तीन जगह पे होते हैं, एक फैक्ट्री में, एक ऑफिस एडमिन में, और तीसरा शोरूम में। तो जो फैक्ट्री में होता है उसको नाम देते हैं, चार नाम है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ऑफिस में जो खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और सेल के लिए जो खर्चे होता है उसको बोला जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जो खर्चा फैक्ट्री में हो उसको नाम देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो खर्चा ऑफिस में हो उसको नाम देते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और जो खर्चा शोरूम में हो उसको बोला जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मैं कुछ खर्चों के नाम बोलूंगा, आप खुद से बता दोगे वो फैक्ट्री का है, एडमिन का है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, इट्स अ बेसिक पार्ट ऑफ कॉस्टिंग एंड इट्स मस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, दिमाग में सिर्फ इतना रखना है कि जो खर्चा फैक्ट्री से बिलोंग करता है उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं, जो ऑफिस में होता है जहां पे अकाउंटिंग वगैरह होता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बोलते हैं, और जिसको जो शोरूम में होता है उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोलते हैं। करेक्ट, ध्यान सुनना अभी। सबसे पहले सैलरी ऑफ, अच्छा कमेंट करना ईमानदारी से, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री एफ ए और एस, एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग, सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि खर्चा फैक्ट्री में हो रहा है, एडमिन में हो रहा है कि शोरूम में हो रहा है। सबसे पहला टेल मी सैलरी टू इंजीनियर, फटाफट कमेंट करो, सुनने के बाद मत करना ऑब्वियसली, इतने ऑनेस्ट तो आप लोग सीए करने आए हो, सीएमए करने आए हो, है ना? ठीक है, सैलरी टू इंजीनियर इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, बिकॉज इंजीनियर यूजुअली फैक्ट्रीज में लगते हैं, है ना? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकता है, हालांकि कॉस्ट अकाउंटेंट में भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी आ सकता है। उसके दो पर्पज होते हैं, अकाउंटिंग करना या कॉस्ट रिडक्शन करना। अगर कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए है वो तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा, अगर अकाउंटिंग करने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। लेट इट बी सैलरी टू इंजीनियर, बट इंजीनियर 99% अनलेस अदरवाइज गिवन इट इज फॉर फैक्ट्री, राइट? पावर एंड फ्यूल, ठीक है, सोचो अगेन फैक्ट्री, क्योंकि पावर एंड फ्यूल मतलब क्या, मशीन, बड़ी बड़ी मशीन चलाने के लिए जो जनरेटर्स लगते हैं और जनरेटर्स में जो डीजल भरा जाता है दैट इज कॉल्ड पावर एंड फ्यूल। तो पावर एंड फ्यूल अगेन फैक्ट्री में लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में एमएससीबी से नॉर्मल लाइट आ जाता है, चल जाता है, उसको डीजल विजल जनरेटर वनरेटर की यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? उसके बाद इंटरेस्टिंग पूछूं, सेल्स कमीशन, सोचो कहां जाएगा? गुड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। कहाँ जाएगा? सेलिंग एंड, जो भी खर्चा सेल बढ़ाने के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, किस में जाएगा वो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, करेक्ट, अकाउंटेंट ऑब्वियसली कहाँ पे बैठता है? ऑफिस में बैठता है। अब ऑफिस में बैठने वाले अकाउंटेंट का क्या रहने वाला है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाने वाला है उसको, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग में मदद नहीं करने वाला है, बेचने के लिए मदद नहीं करने वाला है। जो भी मैन्युफैक्चर हुआ और जो बिका उसका सिर्फ वो खाता वही रखने वाला है, रिकॉर्ड्स रखने वाला है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या बोलते हैं? प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्लियर है? उसके बाद बताओ, एक थोड़ा सा टफ पूछता हूं, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन एक्सपेंसेस, सोचो। ये जिन्होंने करेक्ट जवाब दिया मतलब आप समझ लो कि आप प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो,
मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक सोचो। यह आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। जब हम इंडस्ट्री शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में फैक्ट्री चलने लग जाती है। इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन मतलब क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, इसलिए आप स्टॉल्स लगाते हो, कुछ कुछ एग्जीबिशंस रखते हो, कुछ सकार वाले, लोकमत वाले या न्यूज़पेपर्स वाले, आप अपने एडवर्टाइज करने के लिए आप क्या करते हो, अपने स्टॉल्स लगाते हो। तो उसका रीज़न मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, उसका रीज़न सेल बढ़ना होता है। इसलिए कहा जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में, कहा जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सैलरी टू द ड्राइवर ऑफ डिलीवरी वैन, सोचो सैलरी टू द ड्राइवर ऑफ डिलीवरी वैन। ठीक है, इट इज टू बी क्लासिफाइड एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आप अगर ठीक से नाम सुनोगे सो इट्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स बढ़ाने के लिए और बिका हुआ माल भेजने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी अगर कुछ खर्चे हो रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो डिलीवरी वैन मतलब क्या, डिलीवरी वैन मतलब क्या, डिलीवरी वैन मतलब क्या, जो आप माल को भेजने के लिए यूज करते हो उसी को तो क्या बोला जाता है, डिलीवरी वैन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा, उसका इंश्योरेंस आ गया, उसका ड्राइवर आ गया, उसका क्लीनर आ गया, उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आ गया, सारा का सारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी की जगह अगर अकाउंटेंट्स को जो कैब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसके लिए अगर हमने खुद की कैब खरीदी तो उससे रिलेटेड सारा खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा। आपको खर्चे का नाम नहीं देखना है, आपको ये बात देखनी कि वो किस बात के लिए हो रहा है। अगर सेल्स बढ़ाने के लिए हो रहा है तो वो किस में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर वो ऑफिस रिलेटेड हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। करेक्ट है, इज इट क्लियर एवरीवन? अब और कुछ एग्जांपल देते, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, चढ़ावा इन द मंदिर एस्टैब्लिश्ड इन फैक्ट्री, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। जो 2-5-10 रुपये हम लोग रोज चढ़ाते हैं, अगर कंपनी की तरफ से 10 रुपये चढ़ाया जाता है उसमें, तो वो भी खर्चा तो है, तो वो किस में जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। अगर मंदिर फैक्ट्री में है तो, अगर मंदिर ऑफिस में है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में चला जाएगा। राइट, नाउ द लास्ट, सबसे ब्राइट स्टूडेंट हम लोग अभी ढूंढेंगे जिन्होंने ये लेक्चर देखा है, कमेंट टाइम पे करना, ईमानदारी से करना। वेयरहाउसिंग एक्सपेंसेस किस में जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में? टेल मी फास्ट। ठीक है, मैंने टाइम दे दिया आप लोगों को, इट विल ऑल्सो गो टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेयरहाउसिंग एक्सपेंसेस, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि फैक्ट्री से गुड्स पूरा बन के फिर रेडी होकर वेयरहाउस में आया है, तो उसका ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड से कोई लेना देना नहीं है। सर वेयरहाउसिंग एक्सपेंसेस, सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है सर हमको कि सेलिंग में कैसे जाएगा। सर ध्यान से सुनना बच्चों, क्या मैंने आज कुछ भी बनाया है कि वो आज बिक सकता है? यस, सिर्फ ये फर्क है कि वो कम कीमत में बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अम्ब्रेला मैंने बनाई है, आज मैंने 1000 अम्ब्रेला बना ली है और अब विंटर चल रहा है, विंटर में अम्ब्रेला का कोई यूज नहीं है, पर वो बिक तो सकती है सस्ते दामों में, क्योंकि उसका डिमांड आज नहीं है, तो सस्ते दामों में बिकेगी, पर बिकेगी जरूर। अगर मैं उसको वेयरहाउस करके रेनी सीजन में डालता हूं तो क्या महंगा बिकेगा? वो बन थोड़ी जाएगा, प्रोड्यूस थोड़ी हो जाएगा, वो क्या महंगा बिकेगा? तो आज बेचूंगा तो सस्ता बिकेगा, रेनी सीजन में बेचूंगा बिकेगा तो महंगा बिकेगा। तो जो वेयरहाउस का खर्चा मैंने किया है वो बनाने के लिए किया है कि महंगा बेचने के लिए किया है? महंगा बेचने के लिए मतलब ज्यादा सेल्स करने के लिए, और ज्यादा सेल्स करने को ही तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ज्यादा सेल्स करने को ही क्या बोला जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, सो वेयरहाउसिंग एक्सपेंसेस विल ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। राइट, तो अगर आपने अभी तक मोटा माटी देखा होगा तो कॉस्ट शीट में 5 मेन चीजें आती है, 5 मेन खर्चे आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोलते हैं बट उसमें हम लोग झंझट में नहीं पड़ेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, क्या बेंच बनाने के लिए प्लाईवुड लगेगा? डायरेक्ट वेजेस, क्या बेंच बनाने के लिए कारपेंटर भी लगेगा? तो उन दोनों का जो खर्चा होगा वो डायरेक्ट में जाएगा। उसके अलावा 3 खर्चे, एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और ये होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बस इसी को तो कॉस्ट शीट बोला जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें एडलेस होगी, डोंट वरी, मैंने अभी एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं बताया है, बट इतनी बातें समझ लो कि मेन कॉस्टिंग में 5 ही खर्चे आते हैं, या एक डायरेक्ट एक्सपेंस भी लिखने वाले लिखते हैं बट उतना कुछ ज़्यादा वो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है।
मैं जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताऊंगा तब उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी लिखवाऊंगा, बट जनरली सीए फाउंडेशन, सीए से सॉरी सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर, सीए इंटर के इतने सारे कॉस्ट शीट के सवाल, उसमें एक आधा लाखों में सवाल आते हैं जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो हम लोग अननेसेसरी उसमें अपना टाइम दिमाग नहीं इन्वेस्ट करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पाँच ही चीज़ों के खर्चों को ऐड करने को कॉस्ट बोला जाता है। और कॉस्ट अकाउंटेंट का काम ही होता है कि ये पांच चीज़ों को इकट्ठा करें और ऐड करें और बताएं कि कितना कॉस्ट लगा है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आगे आएगा प्रॉफिट ऐड करोगे और सेल्स पता चल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो अभी तक आप लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे का दूसरा नाम ओवरहेड्स, ओवरहेड्स तीन पार्ट्स में बटता है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को चार नाम होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड एंड वर्क्स ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये अलग दो टाइप के खर्चे हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेल्स बढ़ाने के लिए जो होता है वो भी, और माल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है वो भी आता है। अब एकदम शुरू से लेकर आखिर तक मैं पूरा रिवीजन करवाऊंगा आपको। अभी तक जो पढ़ाया पहले, तो ट्रेडिंग वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग, जो खरीदते हो वही बेचते हो तो ट्रेडिंग, रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड्स बेचते हो तो मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग में एक ही टाइप का स्टॉक आता था क्योंकि वही खरीदते थे वही बेचते थे, तो एक ही टाइप का आता था, बट मैन्युफैक्चरिंग में तीन टाइप के आते हैं, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। WIP मतलब बनाना चालू कर दिया पर कंप्लीट नहीं किया, उस काम को बोला जाता है WIP। ये हो गया आपका तीन टाइप के स्टॉक इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में दो टाइप के कॉस्ट आते हैं। कॉस्ट इज क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का ही दूसरा नाम होता है ओवरहेड्स। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब किस प्रोडक्ट के लिए कितना खर्चा हो रहा है, ये अगर स्पेसिफिकली बता सकते हो तो दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। अगर ओवरऑल खर्चा हो रहा है सारे प्रोडक्ट का कंबाइंड तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही दूसरा नाम होता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स तीन टाइप के होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जो कि खर्चा फैक्ट्री में होता है और किस प्रोडक्ट के लिए कितना हो रहा है ये पता नहीं होता, तभी तो वो ओवरहेड्स होता है ना, उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो खर्चा ऑफिस के लिए होता है उसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और जो खर्चा सेल्स बढ़ाने के लिए या माल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है उसको बोला जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडवर्टाइजिंग भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, ये भूल गया था मैंने एग्जांपल देने के लिए तो बता दिया मैंने आपको। सो ओवरऑल हम लोगों ने कॉस्टिंग के बेसिक्स में ये सारी चीज़ें पढ़ी है। आप जब भी कॉस्टिंग पढ़ोगे तो ये सारे बेसिक चीजें आपके दिमाग में आपको पढ़ने में आती रहेगी, तो आपको पता रहेगा कि इनका क्या मतलब है। करेक्ट। तो दिस इज वॉज द प्री बेसिक ऑफ द कॉस्टिंग, एंड आई नो कि कॉस्टिंग का जो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना मजेदार सब्जेक्ट है, बट ये जो बेसिक वाला पार्ट है समझाने में थोड़ा सा बोरियत हो जाती है, बट जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, चैप्टर्स जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर भी कर सकते हो, आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको कोई भी जानकारी एडमिशन से रिलेटेड चाहिए तो 8886 पर कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय।